लाहौर के नवागत एसडीएम मंगलवार को 10वीं व 12वीं की आगामी परीक्षाओं के चलते क्षेत्रीय दौरे पर रहे। इस दौरान नवागत एसडीएम केवी विवेक लाहौर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व शासकीय कन्या हाई स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं देखी व मिली कमियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात भी कही। यहां बता दें कि एसडीएम लाहौर ने परीक्षा केंद्रों में सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया एवं सीसीटीवी भी देखे, तो वहीं उन्होंने निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर 200 मीटर की दूरी की संचालित दुकानें परीक्षा समय तक बंद करने की बात कही। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वह सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले दोपहर परीक्षा खत्म होने तक अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में दुकान खुली पाई जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम के साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। वह निरीक्षण के दौरान सीएसई संजय शर्मा, प्राचार्य जे आर निराला, प्राचार्य ज्ञान सिंह दौरे, संजय सोनी, महेंद्र कौरव, संतोष कौरव आदि शिक्षक मौजूद रहे। टीम भारती न्यूज। ये विजिट हम कर रहे हैं हर एग्जाम सेंटर में। आपको पता है बोर्ड एग्जाम 17 को शुरू हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने निर्देश दिए कि क्या क्या होना चाहिए, आप भी एक बार देख सकते हो। सारे के सारे जो कमरे हैं, मैं जो भी स्कूल गया हूँ, मैंने पूरा मिहोना भी देख लिया, लाहौर भी देख लिया और यहाँ भी देख लिया। ये हमारा आखिरी स्कूल है इसवार में, एक बच्चा ठीक है आलमपुर, और यहाँ भी देखा है। तो हर स्कूल में कैमरा लगे हुए हैं, आप भी चेक कर सकते हो अभी। और हर विद्यार्थी जो लिखेगा वो कैमरा की निगरानी में होगा। हमारा ये है कि कोई नकल ना हो, पहला उद्देश्य ये है कि कोई नकल ना हो, और होगी भी नहीं, हम टाइट कराएंगे इसको। दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं एग्ज़ाम में, जो भी सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो मिलेगी, जैसे कि पानी है, शौचालय है, हर क्लास में गाड़ी टंगी हुई है, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, तो वो भी हम देख रहे हैं। और मैंने देखा है कि दबों में और आलमपुर में व्यवस्था ठीक है, आगे भी ठीक है, हम एक और बार कल चक्कर लगाएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट करेंगे, फिर जब एग्जाम होगा तब हम फिर। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।